जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैन्यों, लाडलो लाडली, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। सबसे ज्यादा जरूरी वाला ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बार 30 स्टेट से SSC GD की कट ऑफ कितनी रहेगी, स्पेशली फिजिकल के लिए, क्योंकि सभी बच्चे इस समय फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं कि फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो एक चीज और बता देता हूँ, जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर है, मैं बता दूं अकेडमी में फिजिकल का अलग से बेस शुरू हो गया है, जिन बच्चों को SSC GD का फिजिकल करना है वो अकेडमी आ सकता है। फिजिकल के बारे में भी आपको जानकारी होगी, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का समय है, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की रनिंग है। इसके अलावा हाइट और चेस्ट होना है, इसके अलावा और कुछ फिजिकल में इसमें है नहीं, स्पेशली इसमें रनिंग ही मेन है, उसके कोई अंक नहीं है, लेकिन पास करना जरूरी है। ठीक है, तो आपके लिए इस समय फिजिकल से जुड़ना इसलिए जरूरी है, जिन भी बच्चों ने पेपर देने हैं उनको फिजिकल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस बार आपकी रनिंग जल्दी होगी, यानी अप्रैल के माह से आपके पूरे पूरे चांसेस है कि रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, इसमें मैं आपको लड़कों और लड़कियों दोनों की कट ऑफ बताने वाला हूँ कि लड़कों की कट ऑफ कितनी रह सकती है फिजिकल की और लड़कियों की कितनी रह सकती है। एग्जिट आंकड़े निकाले हैं हमने पूरी पोस्ट ऑफ वैकेंसी के अनुसार, और ध्यान रखना ये अनुमानित है, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। फायदा इसका ये होगा कि आप अगर जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, अगर इससे आपके 5 से 7 नंबर ऊपर है तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप फाइनल मेरिट तक जाओगे। अगर आपके जो मैं बता रहा हूं इससे 1, 2 या 3 नंबर तक ऊपर जाता है तो आपके बहुत कम चांस है कि आप फाइनल मेरिट तक पहुंचोगे, तो इसलिए आपको अगस्त वाली वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। आपको पता है ना अगस्त में SSC GD की फिर से वैकेंसी है, इसीलिए हमने गारंटी बेस्ड स्पेशली फुल गारंटी बेस्ड SSC GD 2024 वाली जो अगस्त वाली वैकेंसी है उसका शुरू कर दिया, 15 तारीख से उसके बेस शुरू होंगे। अगर आप अकेडमी आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए लाडलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से अगर हम SC की बात करें तो 58 तक जा सकती है फिजिकली कट ऑफ, अगर हम वही महिलाओं की बात करें तो 64 तक। अब आपको यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ पुरुषों की कम और महिलाओं की ज्यादा क्यों, देखो पिछली बार की अगर आप कट ऑफ भी देखोगे तो वहां पर भी आपको आंध्र प्रदेश में महिलाओं की कट ऑफ ज्यादा मिलेगी पुरुषों के बजाय, क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी यहां पर कम रहती है। ठीक है, पोस्ट ऑफ जो वैकेंसी है वो कम रहने के कारण इनकी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। अगर हम ST की बात करें तो 59 पर जा सकती है, अगर महिलाओं की बात करें तो 61 पर जा सकती है। EWS की 52 से 53 या 54 तक जा सकती है, अगर हम महिलाओं की बात करें आंध्र प्रदेश से तो 59 तक जा सकती है। वही बात हम OBC की करें तो 66, अगर महिलाओं की बात करें तो 69 या 70 तक जा सकती है। अगर जनरल की बात करें तो 72 से लेकर 74 तक जा सकती है, और अगर हम महिलाओं की बात करें तो 80 तक इनकी कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस है। ये क्या है, नंबर है, ध्यान रखना परसेंटेज नहीं है, 160 में से नंबर की बात कर रहा हूं, ये दोनों साइड भी 160 में से कितने नंबर पर जा सकती है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको है, ध्यान रखना इस बात का। आगे देखो अगर हम बात करें कि फिजिकल की कट ऑफ असम की कितनी जा सकती है, तो पुरुषों की 47 ST कैटेगरी से, महिलाओं की 45 ST कैटेगरी से, 47 के आसपास, 47-48 के आसपास रहेगी पुरुषों की और 46 के आसपास रहेगी महिलाओं की। अगर हम EWS की बात करें तो 41 से लेकर 43 तक रह सकती है पुरुषों की और 40 से लेकर 42 तक रह सकती है महिलाओं की, जिनके इतने नंबर भी 160 में से। अगर OBC जो असम से है, अगर वो लड़का है तो उसको 43 नंबर कम से कम होना चाहिए, अगर वो महिला है तो उसके कम से कम 48 के ऊपर नंबर होने चाहिए, अगर वो फिजिकल के लिए तभी क्वालिफाई हो पाएगा, उससे कम चांसेस है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 56 और महिलाओं की जनरल कैटेगरी की बात करें तो 52 असम से रह सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पुरुषों की 76 ऐसी कैटेगरी, ST से 71, अगर AWO से बात करें तो 40, OBC से बात करें तो 88 और जनरल की बात करें तो 88 से 90 के बीच में। वही महिलाओं की बात करें ऐसी कैटेगरी से 81 से 82 के बीच में, और अगर हम बात करें ST की तो 73 से 74 या 75 तक लास्ट है। अगर हम बात करें EWS की तो 40 से 43 के बीच में मान लीजिए, अगर हम बात करें OBC की तो 93 से लेकर 95 तक यह जा सकती है महिलाओं की, और जनरल की बात करें तो 92। आंध्र ये जो छत्तीसगढ़ है, पिछली बार भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ था कि लड़कियों की फाइनल कट ऑफ भी लड़कों से ज्यादा थी, तो ध्यान रखना सब जगह लड़कियों की कट ऑफ नीचे नहीं जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी भी बहुत सारा मैटर करती है, जो इसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं होगी, इसलिए आपको ऐसा भी लग सकता है। अगला जो राज्य है वो है दिल्ली। दिल्ली में जिसके लड़के के 105 से ऊपर नंबर है, 105, 106, 107, मेरा अनुमान ये बोलता है 105.45 इसलिए लिखा है कि 105 से ऊपर रहेगी कट ऑफ, नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, वही महिलाओं की बात करें तो 109 तक रह सकती है फिजिकली कट ऑफ दिल्ली से। अगर हम बात करें ST कैटेगरी की तो 81 और महिलाओं की 78, अगर हम बात करें EWS की तो 96 महिलाओं की 111 EWS से जा सकती है, अगर OBC की बात करें तो 101, अगर हम महिलाओं की बात करें तो 110,
अगर जनरल की बात करें तो 111 और महिलाओं की 117 जा सकती है जनरल कैटेगरी से, दिल्ली से भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात से देखो फिजिकली कट ऑफ है 69 जा सकती है लड़कों की एसटी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, और वहीं पे महिलाओं की 67 जा सकती है, एसटी से 58, महिलाओं की 59। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिसके 160 में से 60 नंबर होगा वो फिजिकली क्वालिफाई होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। और अगर हम बात करें गुजरात की महिलाओं की तो 61, ओबीसी की बात करें तो 67, महिलाओं की बात करें तो 65, जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 75.51 के आसपास रहेगी, और अगर महिलाओं की करें तो 72.11 के आसपास कट ऑफ जाने का पूरा पूरा चांस है गुजरात से। तो ये जो आंकड़े हैं ये महिलाओं के कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्लियर है कि ऊपर सबसे पहले हर एक में ध्यान रखना, सबसे पहले एससी कैटेगरी मेंशन किया गया है, फिर एसटी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी और फिर जनरल कैटेगरी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के आंकड़े हैं लाडलो, ध्यान रखना इसके अराउंड ही आपकी कट ऑफ रहेगी, जिस दिन कट ऑफ आए उस दिन देख लेना। अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि सर आपने तो पूरी एग्जिट कैसे निकाली, तो ऐसे ऐसे जीडी को मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 2011 से, तो इसके जो पेपर देखता हूं मैं और पेपरों के पैटर्न देखता हूं तो मुझे इतना अनुमान तो लग ही गया 4 से 5 भर्तियों में मैंने जितनी भी कट ऑफ बताई है आज तक कभी फेल हुई नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कुछ कट ऑफ कंडक्ट ज्यादा करती है, कुछ थोड़ा सा कम करती है कुछ स्टेट में, लेकिन आप इस बात को जरूर सोच लीजिए कि मैं पूरी कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आप देखना जिस दिन आए उस दिन एक बार वीडियो को जरूर देखना, तो अपनी कट ऑफ को देखना, उस दिन आप बिलीव कर जाओगे मेरी बातों पर। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एससी कैटेगरी के देखें तो 90 तक जा सकती है लड़कों की, लड़कियों की 83, एसटी कैटेगरी के हम देखें 101 खाली, इसलिए छोड़ा कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिली। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 91 जा सकती है खाली, इसलिए छोड़ा कि पोस्ट ऑफ वैकेंसी की कोई जानकारी नहीं मिली। ओबीसी की बात करें तो 92 से लेकर 95 तक जा सकती है हिमाचल प्रदेश में, और लड़कियों की देखें तो 91 और 92 तक जा सकती है। जनरल कैटेगरी की हिमाचल प्रदेश से 105 के आसपास रह सकती है, और अगर हम बात करें महिलाओं की तो वो 101 या 99 के आसपास रह सकती है। अगला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। पुरुषों की बात करें 90 एसटी एससी से, एसटी से 101, ईडब्ल्यू से 91 और ओबीसी से 92 और जनरल से 105। सेम वही महिलाओं की बात करें तो 83 एससी कैटेगरी से, 2 के आंकड़े पर्याप्त नहीं थे इसलिए हमने एड नहीं किए। अगर ओबीसी की बात करें तो 91 के आसपास और महिलाओं की 101 जा सकती है जनरल कैटेगरी से जम्मू कश्मीर से। अगला राज्य है लद्दाख। लद्दाख के आंकड़े आप समझ लीजिए, ठीक है बहुत इजी है, बताने की जरूरत नहीं है। मणिपुर का भी आप स्पष्ट क्लियर है आंकड़े, आप देख लीजिए कि यह है एससी कैटेगरी पुरुषों की, एसटी कैटेगरी, ओबीसी और जनरल, एससी एसटी ओबीसी और जनरल लड़कियों की, ठीक है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी कटो। अगला है मेघालय। मेघालय का तो भी कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसलिए मैं इनके बारे में बता के आपका समय खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि 34-35 नंबर 160 में से फाइनल सिलेक्शन देता है यहाँ से, तो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, ना ही इसमें कोई ज्यादा गणित है। मिजोरम का भी वही है, जिस बच्चे के 50 नंबर भी है उसका फाइनल सिलेक्शन ही हो जाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नागालैंड का भी सेम है, अगर किसी बच्चे के 50 नंबर भी है, अगर वो जनरल कैटेगरी अलावा किसी भी कैटेगरी का उसका हो जाना, अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो लगभग उसके नंबर अगर लड़का है तो 70 के आसपास है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। उड़ीसा का मैं बता सकता हूँ कि एससी कैटेगरी से लड़कों के कम से कम 65 नंबर होने चाहिए, अगर एसटी से है तो कम से कम 57 नंबर होने चाहिए, अगर ईडब्ल्यू से कम से कम 71 नंबर होने चाहिए, अगर वो ओबीसी से है तो कम से कम 83 नंबर होने चाहिए, अगर जनरल से है तो कम से कम 86 से 87 नंबर होने चाहिए। वहीं अगर लड़कियों की बात करें एसटी कैटेगरी से, एससी से है तो 69 नंबर, एसटी से कम 60 नंबर होने चाहिए लड़कियों के, कम से कम 74 नंबर होने चाहिए ईडब्ल्यू से कम 84 नंबर उड़ीसा की बच्चियों के होने चाहिए, ओबीसी से और जनरल से उनके होने चाहिए कम से कम 90 नंबर, तब उनको फिजिकल क्वालिफिकेशन हो सकती है। पंजाब की हम बात करें पुरुषों की एससी कैटेगरी से 62 और लड़कियों की 71, पिछली बार भी पोस्ट ऑफ वैकेंसी पंजाब में लड़कियों की कम थी, इस बार भी कम है इसीलिए लड़कियों की कट ऑफ आपको ऊपर नजर आ रही है। ईडब्ल्यू से हम बात करें तो 40, ओबीसी से 61 और जनरल से 73। अगर सेम हम बात करें लड़कियों की तो 82 जनरल से, 71 इसके ओबीसी से और 62 ईडब्ल्यू से। उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देखो उत्तराखंड में पुरुषों की जो एससी कैटेगरी की मेरिट है वो जा सकती है 91, फिजिकल के लिए है ध्यान रखना, अगर एसटी से 108, ईडब्ल्यू से 98, ओबीसी से 97
और जनरल कैटेगरी से 110 के अराउंड। अब इनसे आप एक दो नंबर आगे पीछे कर सकते हो, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। ये पुल मतलब ये मान के चल सकते हो, इस पे आप अपनी नाव धारा रख सकते हो, सोच सकते हो कि हाँ मेरे इससे कितने ज्यादा, अगर इससे आपके 5 से 10 अंक ज्यादा है तो आप पूरा जोर देना चाहिए इस समय, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ जाने के कोई चांसेस नहीं है, इससे नीचे हो सकती है, ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, ध्यान रखना। जो मैं बता रहा हूं उससे नीचे जो उत्तराखंड है उसमें ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। महिलाओं की अगर बात करें ऐसी कैटेगरी की नंबर, अगर एसटी की बात करें तो कम से कम 78 नंबर उसके होने चाहिए, 94 नंबर होने चाहिए महिलाओं के, अगर वो ईडब्ल्यूएस से 96 नंबर होने चाहिए ओबीसी से, और अगर कोई महिला है उसके 107 नंबर होने चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी से उत्तराखंड से। तो अगला है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में शोपेस्ट जो जाएगी जनरल कैटेगरी से 90 नंबर तक जा सकती है, फिजिकल के लिए जा सकती है 80 to 82, ठीक है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की वेस्ट बंगाल में तो 64-65 के आसपास रहेगी लड़कों की, एसटी की 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 92 के आसपास रहनी है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 68 से 70 के बीच में रहनी है, ध्यान रखना। और जनरल की मैं आपको बता चुका हूं कि 82 से 83-84 तक जा सकती है। महिलाओं की बात करें एससी कैटेगरी की 68 से 70 के बीच में, और एसटी कैटेगरी से 75-76 के बीच में, ईडब्ल्यूएस से 53 से 55 के बीच में, और अगर हम बात करें ओबीसी से तो 70 के आसपास, और फाइनल लड़कियों की यानी जनरल कैटेगरी से 86 के आसपास होने चाहिए। झारखंड की अगर आप देखोगे, जो भी बच्चे झारखंड से देख रहे हैं स्पेशली ध्यान रखना, आपकी ऐसी कैटेगरी के कम से कम आपके 76 से ऊपर अबव नंबर होने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ पाओगे। 80 से ऊपर होने चाहिए एसटी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के 82 ऊपर, ओबीसी के 100 से ऊपर, और जनरल से 105 झारखंड से होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पर हमने नक्सलाइड एरिया और बॉर्डर एरिया की कट ऑफ भी साथ में ले लिए, इसलिए उनको हमने हाईलाइट अलग से नहीं दिखाया है, क्योंकि वो लो मेरिट पे रहते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं को हमने लिया है, ध्यान रखना। किसी भी जितने भी राज्य के लिए इनमें हमने नक्सल और बॉर्डर एरिया का आरक्षण काउंट नहीं किया, क्योंकि अगर वो काउंट करते तो ये बहुत लंबी हो जाती और उसको फिर हमको आप सबको संतुष्टि कराना बहुत बड़ी बात हो जाती हमारे लिए, क्योंकि इसका इतना आंकड़ा निकाल पाना कोई पॉसिबल है नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आंकड़े इसलिए निकाल पाए हैं कि जो पेपर है उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, हमारी अकेडमी के लगभग 100 बच्चों ने पेपर दिया है, तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें महिलाओं की झारखंड की तो 76 जाएगी, जनरल डिस्ट्रिक्ट है ध्यान रखना, नक्सलाइट एरिया में काफी कम है, एसटी कैटेगरी से 88, ईडब्ल्यूएस से 77, ओबीसी से 96 और जनरल कैटेगरी से 104 के अराउंड जा सकती है। बिहार सबसे इंपोर्टेंट राज्यों में से एक है, बिहार अगर एससी कैटेगरी के लड़कों के देखें तो 90 या 91 तक जा सकती है, एसटी कैटेगरी के देखें तो 103-105 तक जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 109 तक है और 110-111 तक भी जा सकती है, ओबीसी की 111 या 109 के बीच में रहेगी, जनरल की देखें तो 115 या 117 तक जा सकती है, ठीक है। महिलाओं की 77 जा सकती है, एसटी महिलाओं की 97 से 98-99 तक जा सकती है, अगर वही महिला ईडब्ल्यूएस से तो 100-102 तक जा सकती है, ओबीसी से भी 100-102 और जनरल से 109 तक जा सकती है महिलाओं की बिहार से। अगला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, तो जितने भी बच्चे महाराष्ट्र से हैं वो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना अपने स्टेट का नाम कि हम महाराष्ट्र से हैं। अगर एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो पुरुषों की देख लीजिए पहले, एसटी कैटेगरी पुरुष की 78, एसटी कैटेगरी पुरुष की 69, ईडब्ल्यूएस की 77, ओबीसी की 80 और जनरल की 85 तक जा सकती है। महिलाओं की बात करें तो 77, 68, 72, 74 और 82, 77 है वो है एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, ये किसकी है, महिलाओं की कट ऑफ। अगला है मध्य प्रदेश, सबसे बेस्ट में से एक, जो जो बच्चे मध्य प्रदेश है वो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ गुरु जी हम मध्य प्रदेश से हाजिरी लगाने आए हैं। तो मध्य प्रदेश वालों देख लीजिए, ये है आपका आंकड़ा, आपका आंकड़ा इस बार का ये बोलता है कि ऐसी कैटेगरी से जो आपका रह सकता है वो रह सकता है 104 के आसपास, पुरुषों की फिजिकली कट ऑफ एसटी की रह सकती है 86 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 111 के आसपास, और ओबीसी की रह सकती है 117 के आसपास, और जनरल की रह सकती है 118 के आसपास। अगर वही हम बात करें लड़कियों की यानी महिलाओं की, तो एससी की 104 के आसपास, एसटी की 87 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 112 के आसपास, ओबीसी की 117 के आसपास और जनरल की 119 के आसपास। इसलिए लड़का और लड़कियों में मध्य प्रदेश में मुझे ज्यादा नजर
नहीं आ रहा अंतर क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी कम होने के कारण लड़कियों की कट ऑफ भी फिजिकल की हाई रहती है। हाँ, फाइनल मेट में इनमें काफी अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें देखने को नहीं मिलेगा, सेम सा ही आएगा। यह है राजस्थान। तो जो जो राजस्थान वाले हैं वो अपने राजस्थान स्टेट का नाम लिख देना भाई राजस्थान नीचे कमेंट में। अगर हम पुरुषों की बात करें, ऐसी कैटेगरी से 105 आने के चांसेस है। जनरल डिस्ट्रिक्टों की बता रहे हैं, नेचुरल बॉर्डर एरिया नहीं ले रखे। एसटी की 112, ईडब्ल्यूएस की 111, ओबीसी की 119 जा सकती है और जनरल की जा सकती है 122। अगर हम महिलाओं की बात करें, एससी की 91, एसटी की 101, ईडब्ल्यूएस की 100, ओबीसी की 111 और जनरल की 114, ये कट ऑफ जाने के अनुमान है फिजिकल के लिए। तो जिनके भी इनसे ऊपर नंबर है उनको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एसएससीजीडी की। और हाँ, आपको मैं शुरू में अपडेट दे चुका हूँ कि अगर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है तो आप एकेडमी आ सकते हैं, और आपके अगर इतने नंबर नहीं आ रहे तो आप अगस्त वाली एकेडमी की तैयारी मेरे साथ करिए हमारी एकेडमी में, तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी मेरी है। लाट दो, अगला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य है, सबसे ज्यादा लोग मुझे बताए नीचे कमेंट में उत्तर प्रदेश लिखने वाले हैं, तो जितने भी उत्तर प्रदेश वाले कमेंट ठोक देना भाई। एसटी कैटेगरी की आपके जाने के चांसेस है 109, एसटी की जाने के चांसेस है 103, ईडब्ल्यूएस की 120 के अराउंड जाने की चांसेस है, ओबीसी की 121 से 123 के बीच में, जनरल की 123 से 121 और 125 के बीच में रहने वाली है फिजिकली कट ऑफ। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो एससी की 104, एसटी की 93, EWS की 117, OBC की 117 के अराउंड और जनरल की 121 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, हमने ये कोशिश की है अनुमानित के अनुसार, ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आपका ये कोशिश इसलिए की गई है कि जब तक आपका SSGD का फाइनल वो कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक ये आपको मोटिवेट करे कि हाँ मेरे नंबर कितने ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, जो सभी स्टेटों की मैंने कट ऑफ निकाली है, जनरल डिस्ट्रिक्ट की है, इसमें हमने आरक्षण स्टेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट वाला आरक्षण है यानी नक्सल और बॉर्डर एरिया का वो नहीं दिया है, सीधा जनरल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से निकाली गई है। और हाँ, इसमें एक चीज और बता दूं, कट ऑफ फिजिकल की इससे जो मैंने ओवरऑल बताई उसमें से कम रहने के चांसेस ज्यादा है, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो जिनके इसके इतने नंबर या इससे ऊपर नंबर है तो उनको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। अगर इससे एक दो नंबर कम है तो वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसका मुश्किल है। ये मैंने कोशिश की ताकि वो बच्चा फालतू में फिजिकल में ना फिसे और अगस्त वाली तैयारी अभी से शुरू कर दे। ठीक है, SSGD 2024 अगस्त वाली वैकेंसी के लिए हम गारंटी बेच भी शुरू कर दिए हैं, 15 तारीख से बेच शुरू होगा, जिसको आना है अपनी एडमिशन करा सकता है। ठीक है लाडलो, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।